क्लास ट्वेल्व चैप्टर नंबर फोर मैग्नेटिज्म का उसमें से ये एग्जांपल है फोर पॉइंट थ्री पहले एग्जांपल समझेंगे उसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे ठीक है कैन सी दैट व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखिए वैल्यू दिया हुआ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है मैं यहाँ वैल्यू भी लिख के लिखते जा रहा हूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज रिप्रेजेंट एज एमी नाइन इन टू माइनस थर्टी वन के जी उसके बाद द चार्ज ई वन पॉइंट सिक्स इंटू टेंड्रेस टू माइनस नाइनटीन खुला मूविंग एट द स्पीड ऑफ थ्री इंटू टेंड्रेस टू सेवन मीटर पर सेकेंड ये देखिए यहाँ पे वैल्यू मैंने अंडरलाइन किया हुआ स्पीड थ्री इंटू टेंड्रेस टू सेवन मीटर पर सेकेंड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सिक्स इंटू टेंडर टू माइनस फोर मैग्नेटिक फील्ड बी सिक्स इंटू टेंड्रेस टू माइनस फोर टेस्टला ठीक है चलो अब यहां पे हमें क्या दिया हुआ है और देखिए आगे पर टू इट है पेंडिकुलर है इट्स कैरेटेड नाइनटी ठीक है वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड है तो वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज पर थीटा इज इक्वल टू नाइनटी वट इज दट इट इट्स फ्रीकुन्सी एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कैलकुलेट दी एनर्जी ऑफ इन अ किलो इलेक्ट्रॉन वॉल्ट ओके एनर्जी हमें किलो इलेक्ट्रॉन वॉल्ट में डिफाइन करना है तो मैं एनर्जी के लिए यहाँ पे दिखा दूंगा काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ठीक है चलो पहले हम लोग डिफाइन करते हैं पहले डिफाइन करते हैं काइनेटिक एनर्जी और फ्रिक्वेंसी डिफाइन करना है फ्रिक्वेंसी और कानेटिक एनर्जी में फॉर एग्जाम्पल चलो पहले v इज इक्वल टू आर ओमेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिफाइन करना मीन्स ओमेगा इज नेसेसरी आर इज इक्वल टू टू पाई एफ दैन द एफ का क्या हो जाएगा एफ इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई वी डिवाइड बाई टू पाई आर इक्वेशन नंबर वन रेडियस नहीं दिया हुआ है ठीक है तो पहले रेडियस डिफाइन करना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी का भी मास इंटू वैलोसिटी स्क्वायर वो तो हमें मिल जाएगा चलो पहले रेडियस डिफाइन करते हैं दे आर टॉकिंग अबाउट दी सर्कुलर पाथ ठीक है सर्कुलर पाथ की बात करें तो उसके लिए रेडियस फ्रॉम द साइक्लोड्रॉन एम वी साइंटी रही है ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा और ये आपका फॉर्मूला साइक्लोड्रॉन वाले थ्योरी में है आप लोग साइक्लोड्रोन की थ्योरी वापस री चेक कीजिए आपको पता चल जाएगा यहाँ पे वेलो सिटीज पर पेंडिकुलर विथ द मैग्नेटिक फील्ड सो ये नाइन्टी हो जाएगा वी विल गेट वॉट एम वी साइन नाइनटी बाई बी इंटू क्यू सिंपली सब सिंपल यहाँ पर सिर्फ वैल्यू लगाना है मास का वैल्यू नाइन इंटू टेनरेज टू माइनस थर्टी वन यहाँ मैंने सब लिखा हुआ है वैलोसिटी थ्री इंटू टेनरेज टू सेवन मैग्नेटिक फील्ड विल बी सिक्स इंटू टेनरेज टू माइनस फोर एंड द इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू यहाँ ई और क्यू दोनों सेम ही रहता है चार्ज की बात करें वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू माइनस नाइनटीन ठीक है आप लोग कैलकुलेशन सीधा कर सकते हैं थ्री टू जिक्स ओके तो यहाँ पे आप लोग नाइन यहाँ पे सिर्फ नाइन टेन रेस टू माइनस थर्टी वन ये प्लस सेवन ये माइनस नाइन्टीन अपर चला जाएगा तो प्लस नाइन्टीन और ये माइनस माइनस अपर चला जाएगा प्लस फोर सो so आपका रेस्ट टेन इसका आप लोग कीजिए सेवन Uh, 7 प्लस फोर इलेवन इलेवन ट्वेंटी एट थर्टी तो यहाँ पे ये डिवाइड बाय वन पॉइंट सिक्स इंटू टू यानी थ्री पॉइंट टू ठीक है नाइन डिवाइड बाय थ्री पॉइंट टू इन टू ट्रेस टू माइनस वन यहाँ पर रह जाएगा ठीक है तो इसका पूरा कैलकुलेशन करोगे यू विल गेट द आंसर मैंने यहाँ पे किया हुआ ये कैलकुलेशन ज़ीरो पॉइंट टू एट वन टू मीटर ये आ गया हमारा रेडियस ठीक है अब इसके ऊपर से हम लोग फ्रीक्वेंसी इन इक्वेशन वन इन इक्वेशन वन सो एफ इज इक्वल टू वी बाई टू पाय आर चलो वी का क्या था थ्री इंटू टेस टू सेवन ठीक है टू इंटू थ्री पॉइंट फोर्टीन वेर द आर अभी हमें क्या मिला जीरो पॉइंट टू एट वन टू थ्री डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई थ्री पॉइंट फोर्टीन डिवाइड बाई जीरो पॉइंट टू एट वन सेवन उसका पूरा कैलकुलेशन आप लोग करोगे यू विल गेट वॉट वन पॉइंट सिक्स नाइन नाइन इंटू टू सेवन ये टेन यहाँ से एक रेस पावर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा सिक्स पॉइंट नाइन्टी नाइन इस टू सिक्स हो जाएगा ये अप्रोक्सीट हो जाएगा सेवनटीन और ये सिक्स मीन्स मेगा हॉर्स ये मेगा हॉर्स में हमारा फ्रिक्वेंसी आ गया ठीक है अब हमारा लास्ट मीन्स काइने कहने लास्ट मीन्स इस एग्जाम्पल का लास्ट काइनेटिक एनर्जी वन हाफ एम वी स्क्वायर चलो वन हाफ मास का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइन इंटू टेज टू माइनस थर्टी वन चलो वी वेलोसिटी थ्री इंटू टेंड्रेस टू सेवन होल स्क्वायर ठीक है चलो अब यहाँ पे वन बाई टू नाइन इंटू टेस टू माइनस थर्टी वन इंटू नाइन थ्री का स्क्वा नाइन इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 7 टू ज फोर्टीन ठीक है अब यार सिंपल नाइन नाइन ज़ा एटी वन बाई टू यानी ये हो जाएगा टेंड्रस टू तो माइनस 17 सब so, इसको डिवाइड करोगे तो फोर्टी एटी डिवाइड बाई एटी वन डिवाइड बाई टू फोर्टी तो पॉइंट फाइव टेंड्रस टू तो माइनस 17 ठीक है ओके लेकिन हमें एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वॉल्ट में चाहिए ठीक है तो इसे हम डिवाइड करेंगे जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर चाहिए तो हमें वन पॉइंट सिक्स इंटू टू माइनस नाइनटीन से डिवाइड करना पड़ेगा मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ जब भी हमें आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो हमें वन पॉइंट सिक्स इंटू टू माइनस नाइनटीन से डिवाइड करना पड़ेगा चलो इसे डिवाइड करो फोर्टी फाइव बाई वन पॉइंट सिक्स तो यू विल गेट द आंसर आप लोग अपना कैलकुलेशन कीजिए आप लोग इतना तो कर ही पाओगे टू पॉइंट फाइव थ्री वन इन टू टेन रेज टू थ्री इलेक्ट्रॉन वॉल ये मेरा फाइनल आंसर है ओके okay? आप लोग जे नीट की प्रैक्टिस कर रहे हो इफ़ यू वॉन्ट सम सजेशन डिस्क्रिप्शन में कुछ बुक्स के लिंक दिया हुआ है यू कैन गो एंड परचेज फ्रॉम इट टेक केयर एंड बाय सी आप